अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ मसाला भरे बैंगन। ये बिल्कुल एक डिफरेंट रेसिपी है और आसान है, मज़ेदार है। चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं ली हूँ 1.25 किलो बैंगन है ये, 250 ग्राम बैंगन। और ये बैंगन को एक साइज़ के ले लेना और इसको मैं वॉश करके रख ली साइड में। और इसके मसालों में मैं ली हूँ 1 टीस्पून काली मिर्ची और 1 टीस्पून फुल शाजीरा, 1/2 टीस्पून मेथी, बड़ी इलायची 4, और ये मेरे पास रोस्ट करके पाउडर बने हुआ धनिया का पाउडर 2 टीस्पून फुल है, और 2 ड्राई मिर्चियाँ हैं, मेथी और बड़ी इलायची और ये सूखी मिर्ची। ये 3 चीज़ों को अपन हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मेरे पास धनिया का पाउडर रोस्ट करके पाउडर बने हुआ है। अगर आपके पास साबित धनिया है तो आप साबित धनिया को डाल के रोस्ट कर लेके पाउडर बना सकते हैं। चलिए अच्छे से रोस्ट होकर उसको निकाल लेंगे। चलिए सब सारे चीज़ों को मैं पाउडर बना ली। अब इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको पेस्ट बना के रख देंगे साइड में। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम हल्दी डाल के इसको मिक्स करके रख देंगे। अब बैंगनों को कट कर लेंगे। सबसे पहले नमक का पानी तैयार रखेंगे, 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। ये डंडी को मैंने काट रहा हूँ, आप चाहे तो कट कर सकते हैं। इसको पूरा कट करना नहीं है, इसको शाखा बना लेना है, ये इसको चाक कर लेना खाली। इसमें मसाला भरना है, जब तक इसको पानी में छोड़ेंगे 5 मिनट के लिए नमक के पानी में। सारे बैंगन को इसी तरह से कट कर लेंगे। चलिए 5 मिनट हो गया, मैं नमक के पानी में छोड़ के बैंगन को। अब इसमें ये मसाला जो पीस के रखे थे हम इसमें भर देंगे। माशाल्लाह मसाले में इतनी अच्छी खुशबू है, अब पकने के बाद तो और ज़्यादा आती है। इसी तरह हम सारे बैंगन में मसाले भर लेंगे। देखिए सारे बैंगन तैयार हो गए। एक कढ़ाई रख दी मैं और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाली फुल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। एक मिनट या 2 मिनट के अंदर ढाप के तेज होने पर रखेंगे, सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही रखेंगे, 2 मिनट से कम। चलिए 2 मिनट हो गए तेज फ्लेम पे। अब फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसकी साइडों को बदलेंगे।
फ्लेम को मैं धीमा कर दी। धीमा करके ढाप दी। जुमला ये 5 से 7 मिनट में तैयार हो जाएंगे, लेकिन बीच बीच में इसको किस साइड्स बदलते जाएंगे और फ्लेम को धीमा ही रखेंगे। चलिए इसमें जो बैंगन फ्राई करने का जो ऑयल बचता वो ऑयल में मिर्ची भी हम फ्राई कर ले सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो फ्राई करिए या नहीं, ना चाहे तो ना करिए। इसको मिर्ची को मैं स्लिट करिए और इसके बीज निकाल दें और इसमें नमक भर देंगे। ये ज़्यादा तेज़ मिर्ची नहीं लेना। मिर्ची स्लिट करें और इसमें लेमन का जूस भी डालेंगे। चलिए इसको मैं ढाप के पका रही हूँ। 5 से 7 मिनट तक मैं बोली तैयार हो जाता, लेकिन अगर आपके बैगन कौंडे हैं तो कम टाइम में भी हो सकता, या बड़े साइज के घट हैं तो थोड़ा टाइम बढ़ के भी लग सकता। चलिए हमारा बैगन तैयार है, फ्लेम को बंद करके डिश को निकालेंगे। चलिए मेरे मसाले भरे बैगन की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।